हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल प्रेप जोन में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड जो फर्स्ट चैप्टर है जिसमें स्टोन एज है, स्टोन एज से रिलेटेड कुछ एक बातें डिस्कस करेंगे। साथ में हम एंशियंट हिस्ट्री या फिर हिस्ट्री लिखने का जो इंडियन हिस्ट्री लिखने का जो एक पर्सपेक्टिव था डिफरेंट एंटिटीज़ का, जैसे ब्रिटिशर्स का जो पर्सपेक्टिव था, यूरोपियन का पर्सपेक्टिव था, नेशनल लीडर्स का जो पर्सपेक्टिव था, या फिर जो न्यूट्रल जो राइटर्स थे उनका जो पर्सपेक्टिव था, उस पर भी थोड़ा एक लाइट डालने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हिस्ट्री जो है डिफरेंट पर्सपेक्टिव से लिखी गई है, इसलिए हमें ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ब्रिटिशर्स का हिस्ट्री लिखने का, इंडिया की हिस्ट्री लिखने का पर्सपेक्टिव कुछ और था, नेशनलिस्टिक अप्रोच कुछ और थी, या फिर जो एक न्यूट्रल अप्रोच थी वो कुछ और थी, जिन्होंने ना नेशनलिस्ट पॉइंट रखा ना फिर एक इंपीरियलिस्टिक पॉइंट रखा, बल्कि एक जो एक्चुअल हिस्ट्री थी उसको ही जॉट डाउन किया, उसको ही कंपाइल किया। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री में स्टोन एज से शुरू करने से पहले हम ये पर्सपेक्टिव, जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पर का जो टॉपिक है, इसको क्लियर करते हैं। दोस्तों, इसमें फर्स्ट जो हिस्टोरिकल अप्रोच है, दैट इज इंपीरियलिस्टिक अप्रोच, कॉलोनियलिस्टिक अप्रोच। दोस्तों, इसमें मेनली हमें डिस्कस क्या करना है कि हमें इसमें सिर्फ इतना जानना है कि व्हाई ब्रिटिशर्स वेंट फॉर नोइंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। वो क्यों इतने कोई क्यूरियस हुए कि उनको इंडिया की हिस्ट्री को जानना पड़ा, इंडिया के ट्रेडिशन को जानना पड़ा, इंडिया के कल्चर को जानना पड़ा। इसके पीछे मेनली दो रीजन थे दोस्तों। फर्स्ट रीजन वॉज दैट न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरी ऑफ इंडिया, जिसमें बंगाल मेनली था, वॉज नॉट ईजी टू एडमिनिस्टर बाई ए कॉलोनियलिस्ट पावर लाइक ब्रिटेन। उनके लिए बंगाल या फिर बिहार को एडमिनिस्टर कर को शासित करना कठिन हो गया था, क्योंकि अलग से ट्रेडिशन थे जिसको चलाना, जिसको एडमिनिस्टर करना उनके लिए आसान नहीं था। सो इट वॉज कम देवर कंपेल्ड टू नो अबाउट द कस्टम एंड ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, जिसमें उनको जो है कुछ एक कस्टमरी लॉज थे, कुछ एक रिलीजियस स्क्रिप्चर थे, वे ऑफ लिविंग से रिलेटेड जो उनके पुराणास थे, वेदास थे, भगवत गीता थी, या फिर कुछ एक जो लॉ कस्टमरी लॉ थे जिसमें मेनली मनुस्मृति का जिक्र मिलता है। इन सब जो टेक्स्ट थे इनको ट्रांसलेट करना उन्होंने शुरू किया इंग्लिश में। सो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1784, वॉज टास्क्ड टू ट्रांसलेट इंडियन जो रिलीजियस टेक्स्ट थे, लाइक भगवत गीता, लाइक जो अभिजान शकुंतलम, इस तरह के जो इंडिया के जो लॉज थे उनको ट्रांसलेट करना शुरू किया इंग्लिश में। क्यों? क्योंकि दे वांटेड टू नो अबाउट द कस्टम एंड ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, सो इंडिया कैन कुड बी एडमिनिस्टर्ड स्मूथली। तो इसके लिए उन्होंने इंडिया के जो पंडित से या फिर इंडियंस जो मौलवीज थे, इस्लामिक मौलवीज थे, उनकी हेल्प लेना भी जरूरी समझा। सेकंड जो पॉइंट था हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव का, वो था कि दे वांटेड टू जस्टिफाई देयर कॉलोनियलिस्ट रूल इन इंडिया। उनको अपना कॉलोनियलिस्ट रूल को, अपने इंडिया में जो उनका एक शासन था उसको जस्टिफाई करना था। व्हाई दे वर रूलिंग इंडिया, उन्होंने क्यों हिंदुस्तान को सब्जुगेट किया, दैट दे वांटेड टू जस्टिफाई। फॉर दैट मैटर वेरियस जो है इंपीरियलिस्टिक इंटेलेक्चुअल हुए, जिसमें मैक्स मूलर मेनली हुआ, विलियम जोन्स हुआ का, या फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है विंसेंट आर्थर स्मिथ हुए, जिन्होंने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जिनकी बुक है 1904 में पब्लिश हुई। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट इंपीरियलिस्टिक स्कॉलर थे जिन्होंने इंडिया की हिस्ट्री पर बहुत कुछ लिखा, बट द पर्सपेक्टिव वॉज टू जस्टिफाई देयर कॉलोनियलिस्ट रूल इन इंडिया ओनली। They were not interested in bringing out certain historical fact about India's past. उनको ये जरूरी नहीं था कि they wanted to bring out the actual history of India, है ना, ancient history. They were not interested in that. Whatever they got out from the historical research in India's context, they framed whole history into their own perspective, which was totally prejudiced toward the Indian civilization or toward the Indian people. तो वो चाहते थे कि जो भी वो इंडिया की जो हिस्ट्री है जिसको वो कंपाइल कर रहे थे, उनका ये पॉइंट था कि दे वांटेड उसको, वो जो है अपने पर्सनल जो उनका एक एजेंडा था उसके अकॉर्डिंग उसको फ्रेमवर्क में डालना चाहते थे। तो होल हिस्ट्री वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड इन दैट कॉन्टेक्स्ट। जैसे उन्होंने बोला, जैसे मैक्स मूलर था,
मैक्स मुलर एक जर्मन जो स्कॉलर्स थे जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री पर एक अच्छी रिसर्च की, या फिर ईस्टर्न जो सिविलाइजेशन थी उसकी हिस्ट्री पर एक बहुत रिसर्च की। इसमें उन्होंने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या कहा, उन्होंने इंडिया के लोगों को, इंडिया के वे ऑफ लिविंग को, इंडिया के जो नेटिव जो लोग थे उनको उनको डेनिग्रेट करना शुरू किया, डेनिग्रेट करने करते हुए लिखा कि जो इंडियन है दे आर नॉट दैट मच कंसर्न अबाउट द हिस्टोरिकल और क्रोनोलॉजिकल वे ऑफ राइटिंग थिंग्स। मतलब उनको हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं था, उनको क्रोनोलॉजी, जो टाइम की एक क्रोनोलॉजी है उसके बारे में उन्हें नॉलेज नहीं है, ठीक है। फिर उन्होंने इंडिया के बारे में लिखा कि इंडियंस आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन द लाइफ, नेक्स्ट लाइफ, नॉट इन द प्रेजेंट लाइफ। वो जो इंडियंस लोग हैं, नेटिव जो लोग हैं, हिस्टोरिकली दे वर वेरी मच कंसर्न अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ नेक्स्ट लाइफ, नॉट प्रेजेंट लाइफ। आज की वो जो प्रेजेंट प्रॉब्लम्स थी उसके बारे में उन्हें कुछ नहीं लेना देना था, बल्कि उनको अगले जन्म से रिलेटेड कुछ एक जो बातें थी इसीलिए उनको इस पर उनको ज़्यादा फोकस था। दैट वॉज स्पिरिचुअलिटी, वॉज स्पिरिचुअलिटी को उन्होंने जो है डेनिग्रेट किया। थर्ड जो उन्होंने मैक्स मुलर ने इंडियंस के बारे में जो कास्टिज्म था, कास्टिज्म पर उन्होंने कहा कि दैट कास्टिज्म इज द विशियस सर्कल ऑफ सोशल डेनिग्रेशन इन इंडिया। मतलब जो इंडिया में प्रिवेलिंग कास्टिज्म था, जो एक जातिवाद था, वो एक बहुत ही बुरा साइकिल है जो इंडिया के, इंडिया में सामाजिक भेदभाव के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उन्होंने इंडिया की नेटिव जो एक बुरी चीजें थी, नो डाउट देयर वॉज सम कास्टिज्म इन इंडिया प्रिवेलिंग हिस्टोरिकली, पर उन्होंने सिर्फ इन सब चीजों को ही दिखाया, उन्होंने ये नहीं दिखाया कि इंडिया के पास एक हिस्टोरिकल कुछ एक अच्छी चीजें भी है। दे डिडंट पुट द लाइट ऑन दैट फैक्ट, ओनली ब्रॉट आउट सर्टेन थिंग्स विच वर डेनिग्रेटेड टू इंडियाज पास्ट, ठीक है। सेकेंड थे विंस्टन आर्थर स्मिथ, जिनकी बुक आई अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें उन्होंने इंडिया के बारे में जो कॉन्टेक्स्ट आगे रखा उसमें मेनली उन्होंने क्या आइडिया पुट फॉरवर्ड किए कि भाई इंडिया की जो सिविलाइजेशन है दैट वॉज नेवर ए सुपीरियर सिविलाइजेशन। फर्स्ट थिंग, जब इसको आपने इंडिया की सिविलाइजेशन जो है इंफीरियर सिविलाइजेशन है, इंडिया के लोग जो है उनको आदत है डेस्पोटिक रूल की, मतलब एक तानाशाही शासन की उनको आदत है। इंडियन पीपल वर ऑलवेज वर एकस्टम टू द फॉरन इन्वेजन, इंडियन के जो लोग हैं उनको आदत है फॉरनर्स की। तो उन्होंने अपनी किताब जो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन 1904 है, उस बुक में मेनली उन्होंने 1/3 पोर्शन सिर्फ अलेक्जेंडर के इन्वेजन पर ही फोकस किया, ठीक है। तो इसमें उन्होंने क्या लिखा कि अलेक्जेंडर जो है ने इंडिया पर रूल किया, बट दैट वॉज नॉट ट्रूथ। फैक्ट वॉज दैट अलेक्जेंडर कुड ओनली टच द वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया, he could not penetrate in the mainland India। इस तरह के facts को concoct करके produce किया, क्योंकि they wanted to put a idea that Britishers are in India only because to develop the inferior society। उनके according never in history India could able to become a single political entity। उनके according ये इट वॉज ब्रिटिश एम्पायर ओनली विच कुड ब्रिंग दिस वास्टनेस इनटू ए सिंगल एंटिटी, ठीक है। इंडिया को एक नेशन बनाने में ब्रिटिशर्स का रोल था। तो ये इंपीरियलिस्ट हिस्टोरिकल अकाउंट था जो सिर्फ ब्रिटिशर्स की सुप्रीमेसी को और उनके रूल को इंडिया के अंदर जस्टिफाई करने के लिए लिखा गया था। तो सेकेंड जो अप्रोच थी दैट वॉज नेशनलिस्ट अप्रोच। नेशनलिस्ट अप्रोच वॉज एक्चुअली द काउंटर नेरेटिव ऑफ दिस इंपीरियलिस्टिक हिस्टोरिकल अप्रोच, ठीक है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। इनका नेशनलिस्ट अप्रोच जो थी वो सिर्फ एक काउंटर नेरेटिव टाइप था। इसमें मेनली जो राइटर्स हुए, जो स्कॉलर्स हुए, वो वेस्टर्न एजुकेटेड स्कॉलर्स थे जिसने जो समझ पाए इस इंपीरियलिस्टिक प्रोपोगंडा को, और उनको ये चीज लगी कि इंडिया इज नॉट इन ए पोजिशन टू काउंटर दिस ब्रिटिश एम्पायर, सो दे वॉन्टेड टू रिफॉर्म इंडियन सोसाइटी एज वेल एज बिल्ड ए हिस्टोरिकल अकाउंट दैट वॉज helpful to India's context, India's interest। इसलिए उन्होंने इस तरह का एक historical account बनाने की कोशिश की। तो इसमें mainly जो scholar थे वो थे राजेंद्र लाल मित्रा, आर जी भंडारकर थे, आर सी मजूमदार थे, वी के रजवाड़े थे। इन सब राइटर्स ने इंडिया के एक उस historical account को सामने रखा that was real, जो एक सच में एक इंडिया की एक
इंडिया का जो एक पास था जिसमें उन्होंने अशोका के पीरियड को लाइट में लाने की कोशिश की, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के उस एक्शन को एक्शन एक्ट पर जो है ज्यादा लाइट डाली, जिसमें उन्होंने जो है सेल्यूकस निकेटर जो एक ग्रीक गवर्नर था उनको डिफीट किया, उनको सबजुगेट किया. दीज थिंग्स वर फोकस्ड मेनली. ठीक है, इसमें जो एक के पी जायसवाल की एक किताब है जिसमें हिंदू पॉलिटी पब्लिश्ड इन 1924 इफेक्टिवली नॉक डाउन द मिथ दैट इंडिया हैड नो पॉलिटिकल आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन. ये जो के पी जायसवाल की किताब है, जायसवाल ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इंडिया वॉज नॉट ए डेस्पोटिक कंट्री एज प्रोपोगेटेड बाई इंपरियलिस्टिक हिस्टोरियन, बट रादर इंडिया हैड द ट्रेडिशन ऑफ रिपब्लिक राइट फ्रॉम ऋग्वेदिक टाइम. जायसवाल ने अपनी किताब में जो हिंदू जो हिंदू पॉलिटी जो एक उनकी किताब है उसमें स्पेसिफिकली लिखा, उन्होंने काउंटर किया उस इंपीरियलिस्टिक जो उनका एक प्रोपोगेंडा था दैट इन कि भाई इंडिया जो है एक कंट्री जो है कब सिर्फ डेस्पोटिक रूल के लिए ही एकस्टम्स है, दैट इंडियंस आर वेरी मच एकस्टम टू द डेस्पोटिक रूल ओनली. उन्होंने कहा कि ये एक प्रोपोगंडा है, जबकि सच्चाई है कि जो हिस्टोरी जो इंडियन ट्रेडिशन है वो रिपब्लिक का ट्रेडिशन है, रिपब्लिक का ट्रेडिशन है राइट फ्रॉम द ऋग्वेदिक टाइम. रिपब्लिक मीन्स यहाँ पर जो है देश का जो हेड है दैट वॉज अपॉइंटेड बाई द पीपल, ये वो हेरिडिटरी नहीं है. तो इस उन्होंने इस एक पॉइंट को जो एक काउंटर नैरेटिव दिया इंपीरियलिस्टिक हिस्टोरिकल अकाउंट का. ठीक है, नेक्स्ट जो ये इम्पोर्टेंट चीज, दीज आल आर वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट जब आप इंडिया की जो हिस्ट्री है उसको लिखते हैं. ठीक है, जो एक राय चौधरी थे उन्होंने इंडिया की एंशंट इंडिया के जो हिस्ट्री को महाभारत से लेकर गुप्ता एम्पायर तक जो है उन्होंने कंपाइल किया. इसमें उन्होंने महाभारत से लेकर गुप्ता एज को उन्होंने बताया कि गुप्ता एज वॉज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन एम्पायर, जिसमें गुप्ता जो रूलर थे चंद्रगुप्ता थे सुमंत्रगुप्त था उनका जो एक एम्पीरियलिस्टिक अकाउंट था उसको बहुत ज्यादा फोकस किया गया. ठीक है, तो देट वॉज ए काइंड ऑफ हिस्टोरिकल थिंग्स विच पुट इंडिया इन फ्रंटल पाथ, मतलब इंडिया को उन्होंने जो है थोड़े एक इस तरह का बताया कि इंडिया वॉज सुपीरियर. इंडिया के जो रूलर्स है उन्होंने बहुत कुछ किया है टू दैट अकाउंट. ठीक है, इस तरह की हिस्ट्री बनाने की कोशिश की. द टाइटल ऑफ, ठीक है, आरसी मजूमदार ने अपनी बुक में क्या कवर किया, पीरियड फ्रॉम एंशियंट इंडिया टू द फ्रीडम स्ट्रगल 1947 तक का पूरा जो एक फ्रीडम स्ट्रगल तक का एक पूरा अकाउंट जो है आरसी मजूमदार ने अपनी किताब में लिखा, जिसने बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रोटेस्ट हुए, बहुत इंपॉर्टेंट जो रिफॉर्म्स हुए सोसाइटी में, जो रूलर्स हुए उनका अकाउंट भी उन्होंने मेंशन किया. ठीक है, तो ये सब एक नेशनलिस्ट जो एक अकाउंट था. इसमें के ए नीलाकांत शास्त्री वॉज ऑल्सो इम्पोर्टेंट स्कॉलर, जिन्होंने साउथ इंडिया के बारे में अपना नैरेटिव दिया, साउथ इंडिया की हिस्ट्री को जो है कंपाइल किया, जिसमें उन्होंने द ग्रेट सतवाहनाज रूलर जो थे, जो चालुक्यास थे, ये जो पांड्यास थे, उनकी हिस्ट्री को उन्होंने कंपाइल किया. ठीक है, इस तरह से एक बहुत ही रोबस्ट हिस्टोरिकल अकाउंट इंडिया का प्रिपेयर किया टू काउंटर द प्रोपोगंडा दैट वॉज पुट फॉरवर्ड बाई द इम्पीरियलिस्टिक परस्पेक्टिव. ठीक है, थर्ड जो आइडिया था वो था थोड़ा सा जिसको हम बोलते हैं रियल परस्पेक्टिव अबाउट इंडियाज हिस्ट्री. इसमें थोड़ा हमने मार्क्स का भी एक स्टाइल है हिस्ट्री को लिखने का, इन मार्क्स ने इंडिया के बारे में क्या लिखा वो भी हम मेंशन करते थे. ठीक है, करना है. मार्क्स वॉज एक्चुअली नॉट According to Marx's school of history, the period from Guptas to the conquest of Muslim in 12th century AD has been termed as a period of feudalism, dark age, during which everything degenerated. Actually, में जो Marx थे, वो British rule के supporter थे. He was the supporter of British rule in India, and he dismissed India as a backward and uncivilized nation with no history. ठीक है, उन्होंने इंडिया को एक बैकवर्ड और अनसिविलाइज्ड नेशन कहा जिसकी कोई हिस्ट्री नहीं है. सो ही
वॉज वो भी काइंड ऑफ एक इम्पीरियलिस्टिक आइडिया ही आगे रख रहे थे, इम्पीरियलिस्टिक की तरह इंडिया की सिविलाइजेशन को एक तरह से डेनिग्रेट कर रहे थे, लिखते थे कि भाई इंडियन पीपल आर नॉट एज सिविलाइज्ड एज वेस्टर्न पीपल, ठीक है। बट जो मार्क्स की जो अप्रोच थी इंडियन हिस्ट्री के बारे में वो उतनी ज्यादा लाइट में नहीं आई टिल इंडियन इंडिपेंडेंस, बट इंडिपेंडेंस के बाद उनकी जो हिस्टोरिकल अकाउंट था इंडिया के केस में वो उस पर काफी रिसर्च हुई, काफी बातें हुई, ठीक है, जिसमें जैसे डीडी कोसाम्बी वाज द फर्स्ट अमंग पायनियर ऑफ मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। डीडी कोसाम्बी ने मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट जो इंडियन हिस्ट्री इंडोलॉजिस्ट थे उसके बारे में उन्होंने लिखा, ठीक है। डी आर चानना, आर एस शर्मा, रोमिला थापर, बिपिन चंद्रा, ये सब जो है मार्क्सिस्ट का जो एक एजेंडा है उसको सामने रखने की कोशिश करते थे, जिसमें इंडिया की एक ट्रू हिस्ट्री, नो डाउट एक ट्रू हिस्ट्री को समझने ट्रू हिस्ट्री को लिखा गया, जिसमें इंडिया के जो ड्रॉबैक्स है इंडियन सिविलाइजेशन के दैट वॉज पुट फॉरवर्ड विदाउट एनी प्रेजुडिस, इस तरह से उनको रखने की कोशिश की, ठीक है दोस्तों। अब ये टॉपिक हमने कवर कर दिया है, नेक्स्ट जो हम मेन टॉपिक है एंशंट हिस्ट्री का उस पर थोड़ा हम फोकस करेंगे, जिसमें स्टोन एज पर मेनली हम डिस्कशन करेंगे। ये हिस्ट्री से रिलेटेड सीरीज है, इसमें नेक्स्ट वीडियो इंडस वैली सिविलाइजेशन का आएगा जो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टोन एज कल्चर इन इंडिया, इन्हें नेटशेल हम जल्दी से कदम करते हैं। स्टोन एज कल्चर इन इंडिया, व्हाट दैट मींस, इसका मीनिंग यह है कि जब स्टोन एक डोमिनेंट थिंग्स थी, विच वॉज मेन रिसोर्स था ऑन विच सिविलाइजेशन वॉज बेस्ड, है ना, जिस पर इंसान या फिर जिस पर जो है एक ह्यूमन जो था वो बेस्ड था, वो मेनली बेस्ड था, मेनली जो है अपनी जरूरतों को एक स्टोन से पूरा करता था। लाइक स्टोन वॉज यूज टू मेक टूल्स, जिसको उन्होंने जो है हंटिंग के लिए यूज किया, चॉपिंग के लिए यूज किया, कटिंग के लिए यूज किया, ठीक है, इसलिए उसको स्टोन एज बोलते हैं। पैलियोलिथिक एज, मेनली पैलियोलिथिक एज मीन द ओल्ड स्टोन एज, ठीक है। पैलियोलिथिक एज को इंडिया के केस में डिवाइड किया गया है मेनली तीन एजेस में, तीन फेजेस में, है ना, ठीक है। ये मेनली जो डिवीजन किया गया है दैट इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टोन टूल यूज्ड, लाइक पहले जो वो स्टोन टूल रॉ था, क्रूड फॉर्म में था, फिर उसको शेप किया गया, फिर उसको और ज्यादा शेप में लाया गया, डिवीजन वॉज डन ऑन दैट बेसिस लाइक स्टोन टूल। और जो क्लाइमेट चेंज इन क्लाइमेट में हुआ, लाइक अर्ली पैलियोलिथिक में जो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड था वो एक जो है आइस एज वाला प्लिस्टोसीन, अर्ली प्लिस्टोसीन पीरियड था, जो खत्म होते होते अपर पैलियोलिथिक फेज तक एक क्लाइमेट चेंज हुआ, वार्मर फेज आए और जो है क्लाइमेट थोड़ा स्टेबल हुआ, ठीक है, इस तरह से। तो पैलियोलिथिक जो एज है दैट वॉज डिवाइडेड इंटू थ्री फेजेस। लोअर पैलियोलिथिक फेज है जिसको 5 लाख BC से 5 लाख BC टू 50,000 BC तक था। मिडल पैलियोलिथिक फेज जो था वो 50,000 BC टू 40,000 BC था। एंड जो अपर पैलियोलिथिक पीरियड है दैट वॉज 40,000 BC टू 10,000 BC, ठीक है। अब लोअर पैलियोलिथिक पीरियड जो 5 लाख BC टू 50,000 BC था, उसमें क्या क्या था, इसमें मेनली जो यूज हुआ टू स्टूल का, जो स्टोन का जो यूज हुआ दैट वाज हैंड एक्स, क्लीवर और चॉपर, क्रूड फॉर्म में इनका यूज किया गया था, ठीक है, जैसे ये मिले हमें, जैसे जिस फॉर्म में ये मिले उसी फॉर्म में इनका यूज किया गया। देयर वाज नो शेपिंग ऑफ द स्टोन, उसको उसी तरह क्रूड फॉर्म में उसका यूज किया, जिससे वो चॉपिंग करते थे, डिगिंग करते थे और स्किनिंग भी करते थे। समहाउ दे यूज टू स्किन विद दीज क्रूड स्टोन टूल्स लाइक क्लीवर एंड चॉपर्स, ठीक है, शॉपर्स बोलते हैं। मेन साइट फॉर अर्ली स्टोन एज, अर्ली स्टोन एज या फिर लोअर पैलियोलिथिक जो साइट्स मेनली थी वो सोहान वैली, जो पंजाब पाकिस्तान में है, कश्मीर में, और तो थार डेजर्ट या फिर बेलान जो मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, वहां पर इसके जो एविडेंसेज है वो मिले हैं, ठीक है। हैंड एक्सिस क्रूड फॉर्म वॉर इन लोअर पैलियोलिथिक पीरियड 5 लाख BC टू 50,000 BC। एट दैट पॉइंट इन हिस्ट्री मैन वॉज नॉट एज सिविलाइज एट इज मैन, जो आदमी जो है सिविलाइज नहीं था, ही वॉज नॉट सेटल्ड एट वन प्लेस, ही वॉज वंडरर, वंडर करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस इन सर्च ऑफ एनिमल, मेनली वो हंटिंग करता था, ही वॉज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी सेटल्ड लाइफ, हंटिंग करता था, ठीक है, 5 लाख BC से 50,000 BC। नेक्स्ट जो फेज आता है वो आता है मिडिल पैलियोलिथिक फेज। इस फेज में क्या था कि जो आइस एज था दैट वॉज
थोड़ा वो आइस का जो इफेक्ट था इस एज, वो वार्मर कूलिंग पीरियड शुरू हुआ, वार्मिंग पीरियड शुरू हुआ जिसमें आइस एज खत्म होने लगी, ठीक है। 50,000 बीसी टू 40,000 बीसी तक का ये टेन्योर था। इसमें मेनली थोड़ा शेपिंग करना शुरू हो गया इंसान ने, हैंड एक्स को थोड़ा, इसमें जो टूल मेनली फाउंड आर स्टोन फ्लेक्स फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। स्टोन फ्लेक मतलब जो पत्थर के टुकड़े हैं उनसे बनाए गए टूल का यूज करना शुरू हो गया था, ठीक है। जो कहाँ कहाँ मिले, जैसे ब्लेड्स, पॉइंटेड स्क्रैपर्स, पॉइंटेड स्क्रैपर्स मतलब थोड़े पैने किस्म के जो एक स्टोन टूल्स यूज किए जाते थे, बोरर्स का यूज किया जाने लगा, ठीक है। ये सब फ्लेक्स या फिर टुकड़ों से बनाए गए, ठीक है। इस पीरियड के ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। थर्ड जो फेज था वो था अपर पैलियोलिथिक पीरियड, दैट वाज 40,000 बीसी टू 10,000 बीसी। इसमें मेनली जो रीजन आता है, इसमें मेनली जो एरिया हमने डिस्कस करना है, अपर 40,000 बीसी टू 10,000 बीसी, इस पीरियड में जो है मार्क द एंड ऑफ आइस एज, मतलब जो आइस एज था प्लिस्टोसीन का जो पीरियड था दैट वाज कंक्लूडेड ड्यूरिंग दिस पीरियड 10,000 बीसी, है ना। इसमें क्लाइमेट ने जो है गर्म होना शुरू हो गया, क्लाइमेट स्टार्टेड वार्मर, स्टार्टिंग टू वार्मिंग, ठीक है। इट मार्क द अपीयरेंस ऑफ मॉडर्न मैन इस एज में, मतलब अपर पैलियोलिथिक एज में 40,000 बीसी टू 10,000 बीसी, मॉडर्न मैन जो आज का होमो सेपियन है उसकी अपीयरेंस हुई, ठीक है। इससे पहले जो आदमी था ही वाज पार्शियली अ ह्यूमन बट नॉट एक्चुअली द ह्यूमन, ही वाज समहाउ सिमिलर टू द एनिमल, है ना। वो जो है एक तरह का एप या फिर जो एक एप की तरह एक था वो, ठीक है। केव एंड रॉक शेल्टर टाइप ऑफ ड्वेलिंग स्टार्टेड इन दिस पीरियड, मतलब जो लोगों ने केव्स में या फिर रॉक शेल्टर या फिर पेड़ों की टहनियों पर रहना शुरू कर दिया, मतलब काइंड ऑफ ड्वेलिंग शुरू हो गई इस फेज में। साइट डिस्कवर ऑफ दिस फेज आर भीमबेटका में, मेनली जो भोपाल में भीमबेटका है वहां पर अपर पैलियोलिथिक एज के कुछ एक एविडेंसेस मिले, ठीक है। एंड तो इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है दैट इज मेसोलिथिक, मेसोलिथिक हंटर्स एंड हर्डर्स, जो मेसोलिथिक है इसका फेज है 99,000 बीसी टू 4,000 बीसी। इन दिस पीरियड क्लाइमेट चेंज ड्यूरिंग 9,000 बीसी ब्रॉड चेंज इन फ्लोरा एंड फौना सो न्यू एरिया फॉर ह्यूमन माइग्रेशन, ठीक है। 9,000 बीसी में क्या हुआ कि क्लाइमेट चेंज हुआ, बिकेम मोर स्टेबल एंड वार्मर, सो न्यू स्पीशीज ऑफ फ्लोरल और फोनल स्पीसीज कुछ नई तरह की एग्जिस्टेंस में आई, तो ह्यूमन दैट इंड्यूस्ड द ह्यूमन माइग्रेशन, मैन स्टार्टेड टू माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड फॉर हंटिंग और सर्वाइवल, ठीक है। मेसोलिथिक हंटर स्टेज में, मेसोलिथिक की सबसे इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंस है दैट इज मेसोलिथिक एज मैन यूज्ड टू हंट फिश एंड गैदर फूड, ठीक है। ही बिकेम फूड गैदरर, इनिशियली ही वॉज ओनली द हंटर, हंट करता था और वहीं पर मारता था। नाउ ही बिकम फूड गैदरर, लेटर दे ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल, इन दिस एज ओनली ह्यूमन बींग स्टार्टेड डोमेस्टिकेटेड ऑफ एनिमल, उन्होंने जानवरों को टेम करना शुरू कर दिया, ठीक है। माइक्रोलिथ टूल वर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेसोलिथ एज, ठीक है। मेसोलिथिक एज में, मेसोलिथिक मतलब ही बिकम द मेसोन टाइप, मतलब वो एक मिस्त्री या फिर एक तरह का मिस्त्री टाइप का बन गया, दैट इज मेसोनलिथिक, ठीक है। इसमें उन्होंने पत्थर को जो है शेप करके उसको एक माइक्रोलिथ मतलब छोटे साइज का पत्थर की आकार में उनको लाकर उसका यूज करना शुरू किया। पेस्टोरलिज्म आल्सो स्टार्टेड इन लेटर स्टेज ऑफ मेथोलिथिक, मतलब लास्ट के जो पीरियड में जब मेसोलिथिक पीरियड जो है कंक्लूड हो रहा था, दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन हिस्ट्री पेस्टोरलिज्म, मतलब एक जो एक पेस्टोरलिज्म को भी उन्होंने जो है प्रैक्टिस करना शुरू किया, जिसमें चारागाह टाइप की एक एनिमल हस्बेंड्री को भी उन्होंने शुरू करना प्रैक्टिस करना शुरू किया ह्यूमन ने, ठीक है। आदमगढ़ इन एमपी एंड बागौर, दैट इज फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, फॉर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए अलग से इंफॉर्मेशन आएगी, दैट इज ओनली टू बिल्ड सम कॉन्सेप्ट अबाउट हिस्ट्री, ठीक है। इसमें आदमगढ़ जो एमपी में है और बागौर राजस्थान में है, ये सबसे पहले एविडेंसेस हमें देते हैं जहां पर एनिमल का डोमेस्टिकेशन हुआ था, ठीक है। आदमगढ़ और इन एमपी एंड बागौर इन राजस्थान प्रोवाइड अर्लियस्ट एविडेंसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, ओके। नेक्स्ट जो एज आती है दैट इज लास्ट एज, दैट इज नियोलिथिक एज, उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट एजेस आती है जिसमें चालकोलिथिक एज आती है या फिर स्टोन एज, आयरन एजेस आती है, वैदिक पीरियड, ये सब आती है। दिस लिथिक एज, इसमें स्टोन एक डोमिनेंट
जो एंटिटी था, डोमिनेंट सोर्स था ह्यूमन के लिए, दैट वाज नियोलिथिक एज। इसमें इस एज में मेनली जो इंसान हुआ उन्होंने फूड को प्रोड्यूस करना शुरू किया, ठीक है, एग्रीकल्चर शुरू की। इसमें जो स्टोन को है उन्होंने ज्यादा पॉलिश किया, पॉलिश स्टोन टूल वर मेनली यूज्ड ड्यूरिंग दिस फेज। स्टोन एक्सिस यूज फॉर कटिंग वॉज मेनली यूज एज सिंबलाइजेज द एक्स विल्डेड बाई लॉर्ड। इसमें जो एक एक्स था, एक्स जो कुल्हाड़ी थी, उसका ज्यादा से ज्यादा यूज करना शुरू किया, दैट सिंबलाइजेज द एक्स विल्डेड बाई लॉर्ड परशुराम ऑल्सो। मतलब थोड़ा सा जो है रिलीजियस आस्पेक्ट भी ग्रो करना शुरू हो गया था, ठीक है, इस फेज में, दैट एक्स सिंबलाइजेज द लॉर्ड परशुराम ऑल्सो, ठीक है। न्यूलिथिक ड्विलिंग साइट, न्यूलिथिक जो एक जो ड्वेलिंग साइट्स हमें मिली है न्यूलिथिक की, जो ड्वेलिंग साइट मतलब जहां पर न्यूलिथिक इंसान रहता था, वो बुर्जा होम इन कश्मीर में मिली है, जहां और जो एक गुफ क्राल इन कश्मीर है जहां पर पिट ड्वेलिंग मिली है, ठीक है। पिट ड्वेलिंग वहां पर लोग करते थे, केव लेक के किनारे जो है गड्ढा बनाकर वहां पर वो रहते थे, दैट इज नियोलिथिक ड्वेलिंग साइट बुर्जा होम इन कश्मीर वेयर पिट ड्वेलिंग वॉज इन प्रैक्टिस। गुफरकाल इन कश्मीर वॉज ऑल्सो फाउंड टू हैव प्रैक्टाइज्ड फिशिंग एंड एग्रीकल्चर। ठीक है दोस्तों, ये नियोलिथिक एज तक का हमने, स्टोन एज हमने पूरा कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड, ये सब इसको लेके एक वीडियो आएगी। अगर आपको हमारा चैनल हेल्पफुल लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच।